ठीक है बच्चों, देखिए जाम अभी हमें ये टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट, एम्पीयर सर्किटल लॉ। ठीक है, बायोट सेवर्स लॉ पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी हमें आज ये टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज पेयर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पीयर्स सर्किटल लॉ। एम्पीयर सर्किटल लॉ में क्या बताया गया, देखेंगे सामने बोर्ड पे। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई भी एक इमेजिनरी क्लोज लूप है, अगर हमारे पास कोई भी एक इमेजिनरी क्लोज लूप है, एक हमने बंद रास्ता एज्यूम कर लिया है, इमेजिन कर लिया है, जैसे हमने यहां पर क्या करा, इमेजिनरी क्लोज लूप मान लिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करोगे, अगर आप इस क्लोज लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करोगे, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को बाउंड्री पे जोड़ोगे, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट इस लूप को क्रॉस करके जा रहा है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि यहां पर एक वायर है, ये वायर इसके अंदर से जा रही है, सपोज आई वन, ये दूसरी वायर है, ये भी इसके अंदर से जा रही है, सपोज इट इज आई टू। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस कोने पे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है, बी डॉट डी एल करोगे, बी डॉट डी एल का मतलब क्या है कि कोनों पे बाउंड्री पे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करोगे, ऐड करोगे, किसके बाउंड्री पे, ये जो आपने क्लोज लूप माना बंद रास्ता माना है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, अभी ठीक आ रहा है नेटवर्क? यस, अभी क्लियर है? ठीक है, तो बेटा मैं बात कर रहा था एम्पीयर सर्किटल लॉ की। तो एम्पीयर सर्किटल लॉ ने ये कहा कि अगर आप इस क्लोज लूप पे, ये जो हमने क्लोज लूप माना है, जो हमने इमेजिन करा है, इस क्लोज लूप पे अगर मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल करते हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को आप जोड़ देते हो, ऐड कर देते हो पूरी बाउंड्री पे, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है म्यू नॉट इनटू आई नेट। वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इनटू आई नेट। यहां आई नेट क्या बताता है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं यहां पर,
म्यू नॉट इंटू आई नेट। यहां आई नेट ये बता रहा है कि कितना करंट इस लूप के अंदर से जा रहा है, कितना करंट इस लूप को क्रॉस कर रहा है। ये कौन बता रहा है? ये आई नेट बता रहा है, ठीक है ना। जैसे आप देखिए यहां पर दो तार जा रही है ऊपर की तरफ, तो आई नेट की वैल्यू क्या हो गई? आई नेट की वैल्यू हो गई आई वन प्लस आई टू। आई नेट किसके बराबर हो जाएगा? आई वन प्लस आई टू के। आई वन आई टू वो करंट है जो इस लूप के अंदर से जा रहा है, क्रॉस करके जा रहा है। इतना समय में आया नहीं आया आपके, बताइए। यस, किसको समझ में नहीं आया बेटा बताइए? ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया? सबको समझ में आ गया बेटा? बीच में एक कॉल आ गई थी तब थोड़ा सा हैंग हुआ होगा। देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि सर ये डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होएगा। तानिया ने क्वेश्चन पूछा है। बेटा ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे बी डॉट डी एल है तो बी डॉट डी एल को लिख देंगे बी डी एल कॉस थीटा। यहाँ थीटा एंगल किस किस के बीच में होगा? थीटा एंगल जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच में होगा? डीएल के बीच में। डीएल किसकी डायरेक्शन होगी? डीएल डायरेक्शन होगी कि जब आप इस लूप पे इंटीग्रेशन करोगे, जब आप इस लूप पे ऐड करोगे तो आप किस डायरेक्शन में उसे ऐड करोगे, आप कैसे उसे ऐड करना शुरू करोगे? अंदर की तरफ जाओगे पहले या बाहर की तरफ जाओगे, ठीक है ना। हम हमेशा ऐसे करा करेंगे कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी हम उधर की तरफ से ऐड करना करेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम लेके चलेंगे हमेशा, मतलब थीटा जीरो रखा करेंगे, ठीक है तानिया। और किसी को कोई प्रॉब्लम है एम्पेयर सर्किट वालों में तो बताइए। नो प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया? चलिए देखिए दूसरी बात देखते हैं। जैसे हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये जो हमने रास्ता लिया है जिस रास्ते पे हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर रहे हैं, ये सिर्फ हमने माना है, इमेजिन करा है। ऐसा कोई यहाँ पे कोई तार नहीं रखी हुई है, ये जो क्लोज जो मैंने सर्कल बनाया ये कोई तार नहीं है, ये रास्ते क्या करा है? एज्यूम करा है, इमेजिन करा है। जैसे आप गॉस थ्योरम में एक सरफेस इमेजिन करते थे, गॉसियन सरफेस, ऐसे ही एम्पेयर सर्किट लॉ में हम एक रास्ता एक पाथ इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं, जिसको कहते हैं एम्पेरियन लूप। इसे क्या कहते हैं? एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप क्या होता है? एम्पेरियन लूप एक इमेजिनरी क्लोज पाथ होता है जो हम इमेजिन करते हैं, क्या करने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करने के लिए, जोड़ने के लिए। ये सिर्फ चीज करा जाता है, वास्तव में कोई तार होती नहीं है, राइट? समझ में आ गया इतना? यस बेटा, चलिए कॉपी कर लिया होगा आपने, नोट्स मैंने आपके पास भेज दिए बेटा क्लास के, और मैंने नोट्स शेयर कर दिए, आप उन नोट्स पर पढ़ लीजिएगा। इसके स्टेटमेंट भी हमने लिखवा रखी है आपको ही, पर ही आप वहां से याद कर लीजिएगा सर, ध्यान से।
ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ करा रहा हूं, प्रूफ ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ। एम्पेयर सर्किट लॉ का प्रूफ डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास प्रूफ ऑफ एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किट लॉ का प्रूफ डिस्कस करना है हमें, ठीक है। अब देखे कैसे, देखिएगा, सपोज करिए कि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। ये वायर इनफाइनाइट है, आगे तक एक्सटेंड हो रही है, इसके अंदर आई करंट जा रहा है, ठीक है। हमने क्या करा, यहां पर एक पी पॉइंट मान लिया जिसका डिस्टेंस क्या है, आर है। आर इज द डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, पी इज द डिस्टेंस, सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वायर। आर क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वायर, एंड वायर इज इनफाइनाइट, वायर इनफाइनाइट है। अब कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। यस बच्चों, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, बताएगा कोई, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बेटा, जानवी इनवर्ड होगी बेटा, वैल्यू क्या होगी उसका, मैग्नीट्यूड क्या होगा, पीरियड ऑफ आई टू आई अपॉन ए। वेरी गुड श्रुति, बहुत बढ़िया। अंशु गुड, तानिया गुड, वेरी गुड। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन ए, ए की जगह क्या आ जाएगा, आर, ठीक है बेटा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन होगी ये अंदर की तरफ होगी, क्रॉस इनवर्ड। व्हाट डस क्रॉस इंडिकेट, इनवर्ड, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहां पर एक एम्पेरियन लूप मान लिया, ये मैंने एक एम्पेरियन लूप मान लिया सर्कुलर शेप का, और इस तरह से कि जो वायर है वो उसके सेंटर से होके जा रही है। एन एम्पेरियन लूप एंड अ सर्कुलर एम्पेरियन लूप इज कंसीडर्ड। हमने एक सर्कुलर एम्पेरियन लूप क्या कर लिया, यहां पर कर लिया है, एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो मैं अगर क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकालूंगा तो बी की डायरेक्शन तो इनवर्ड है। अब मैंने कहा था कि हम डीएल को भी इनवर्ड देंगे, हम जब डीएल को एज्यूम करते हैं दोनों की डायरेक्शन एक मानते हैं, तो डीएल की डायरेक्शन भी इनवर्ड हो गई, ठीक है। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हम इसे लिखेंगे बी डी एल कॉस जीरो। वाई कॉस जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, डीएल भी अंदर है, दोनों के बीच में जीरो डिग्री एंगल बन रहा है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन फोर पाए
टू आई अपॉन आर डीएल, ठीक है। अब यहां पर देखिए म्यू नॉट अपॉन फोर पाई रहेगा, आई कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट रहेगा, उसको बाहर ले आएंगे, दैट इज म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर क्लोज इंटीग्रल डीएल। अब अगर आप क्लोज इंटीग्रल डीएल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहां जो आप लेंथ ले रहे हैं उस लेंथ को आप पूरे में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आप जब पूरे में से जोड़ देंगे तो इस पूरे की लेंथ आ जाएगी, एंड दैट इज द सर्कमफ्रेंस, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई बाय आर इंटू टू पाई आर। देखिए बेटा ये जो मैंने क्लोज इंटीग्रल डीएल करा है इसको सॉल्व कैसे, देखिए आप याद करिए गॉस थ्योरम में मैंने आपको क्लोज इंटीग्रल डीएस बताया था, क्लोज इंटीग्रल डीएस का मतलब ये था कि पूरे सरफेस पे जोड़ दो, ठीक है ना, ऐसी यहां पे ये था कि पूरी लेंथ पे जोड़ दो। तो जब आप इसको पूरी लेंथ पे जोड़ दोगे इसका मतलब क्या होगा बेटा, पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट कर दो, जोड़ दो, तो पूरी लेंथ पे अगर इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या आएगा, टू पाई आर, आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई, टू से टू, फिर टू, तो ये बराबर आ गया म्यू नॉट इंटू आई। ये प्रूफ हो गया, ठीक है बेटा, कॉपी करिए सब बच्चे, कोई डाउट है तो बता दीजिए मेरे को। नोट करिए बेटा प्रूफ ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ, बेटा नोट करो, तानिया में अभी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, पहले नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया बेटा सबने, यहां पर एक क्वेश्चन आया तानिया का कि सर अगर हम यहां पे क्लोज इंटीग्रल की जगह सिंपल इंटीग्रल करेंगे तो आंसर सेम आएगा। बेटा अगर आप सिंपल इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको एक तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखनी पड़ेगी, और दूसरी बात यह है कि एम्पेयर सर्किट लॉ में यहां क्लोज इंटीग्रल ही होता है, क्योंकि एम्पेयर सर्किट लॉ एक क्लोज लूप के ही काम करता है, जैसे गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए काम करती है ऐसे ये क्लोज लूप के लिए वर्क करता है, ठीक है।
क्लियर हो गई बात? यस बच्चे, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। और इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं अभी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। सबसे पहले बात आती है कि सर व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है? देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, अगर हम एक बहुत लंबी इंसुलेटेड वायर को, इंसुलेटेड मतलब इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग है, एक बहुत बड़ी इंसुलेटेड करंट कैरिंग वायर को हम हेलिकल फॉर्म में मोड़ देते हैं। हेलिकल का मतलब होता है स्प्रिंग। अगर हम उसे स्प्रिंग की फॉर्म में मोड़ देते हैं तो उस सिस्टम को, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड, ठीक है ना। व्हाट इज सोलेनोइड? अ लॉन्ग इंसुलेटेड करंट कैरिंग वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स स्प्रिंग, ठीक है। अब देखिए जैसे ये करंट इधर की तरफ अगर मैं खड़ा हूं तो यहां पे पहला टर्न ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो इसको बोलेंगे हम साउथ पोल, और इधर वाले जो फेस बनेगा इसे कहा जाएगा क्या, नॉर्थ पोल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा या नहीं? यस, अंडरस्टैंडेबल और नॉट? देखिए कि हमें इसकी वजह से क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एम्पेरियन लूप मानेंगे। हमने क्या करा है, यहां पर एक एम्पेरियन लूप मान लिया है, ये एम्पेरियन लूप जो है ये रेगुलर शेप का है, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी एंड इट इज डी। ये हमने रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर शेप का एम्पेरियन लूप मान लिया है, एंड वी सपोज लेट ए बी इक्वल्स टू एल, ए बी को हमने कैपिटल एल मान लिया, ठीक है, एंड लेट स्मॉल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन क्या है,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कितने टर्न्स आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो यहां पे अगर हम नंबर्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल्स टू एन इंटू लेंथ। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम क्लोज इंटीग्रल निकालेंगे ए बी सी डी ए का फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल। हम मैग्नेटिक फील्ड को लाइन इंटीग्रल करेंगे इस पूरे लूप में, ए बी सी डी, इस पूरे लूप में हम मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ेंगे। ठीक है, किसकी मैग्नेटिक फील्ड को, जो सोलेनोइड बना रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड को। तो कैसे जोड़ेंगे, पहले ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, फिर सी से डी आएंगे और फिर डी से ए आएंगे। मतलब पहले तो ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। ठीक है, ए बेटा ये पॉइंट है रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं ए बी सी डी। अब देखिए, जब आप ए से बी जा रहे होगे तो आप जा इधर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगी क्योंकि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे थीटा कितना आ जाएगा, जीरो डिग्री। फिर बी टू सी में आप जा ऊपर रहे हो, आप के जाने के ऊपर है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। फिर सी टू डी में, यानी कि यहां पे हम इधर आ रहे हैं लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होती है सोलेनोइड में, नेग्लिजिबल होती है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गई। और डी टू ए में हम आ नीचे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप ये देखिए, यहां थीटा जीरो हुआ, यहां थीटा 90, यहां बी जीरो हुआ, यहां थीटा 90। अब जब आप यहां पे बी डी एल कॉस थीटा लिखोगे तो यहां कॉस जीरो आएगा, यहां कॉस 90 आएगा, यहां कॉस 90 आएगा और यहां जीरो हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि इनका आंसर जीरो आएगा सबका, इसका भी, इस और इसका भी, इन तीनों का जीरो आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ए बी बी डी एल, बी बाहर आएगा, क्लोज इंटीग्रल ए बी डी एल। अब क्लोज इंटीग्रल ए बी डी एल का क्या मतलब है कि यहां जो हमने लेंथ मानी इसको पूरे पे जोड़ दो तो इससे पूरे की लेंथ आ जाएगी एल, दैट इज बी इंटू एल। ठीक है, ये हमारे पास इतना आ गया। कोई डाउट यहां पे, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ। बेटा नोट करिए, आपके पास एक मिनट का टाइम है बच्चे, नोट करिए सब। विद इन वन मिनट नोट कर लीजिए बेटा, एक मिनट में आप। बेटा लास्ट लाइन में हमने जब ये डीएल का क्लोज इंटीग्रल करा
तो इसका मतलब ये है कि इस छोटी सी लेंथ को इस पूरी लेंथ में जोड़ दो तो इस पूरे की लेंथ आ जाएगी, और इस पूरे की लेंथ होती है एल। इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा, देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा दैट इज म्यू नॉट इंटू आई नेट, वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई नेट के बराबर होगा। इसको मैं लिख सकता हूं बी एल, और आई नेट को लिख सकता हूं मैं नंबर ऑफ टर्म्स इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ टर्न्स पर इनटू लेंथ, एल से एल कट गया, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई। ये हमने कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिखा, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। कल बेटा क्लास नहीं होगी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की, कल कुछ काम है इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन कल की रिकॉर्डिंग वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है बेटा। कल की रिकॉर्डिंग वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, कल लाइव क्लास नहीं होगी, कल रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पे सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पे श्रुति का क्वेश्चन आया कि सर सीडी में जीरो क्यों हुआ अभी। श्रुति देखो, हम जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता लगा रहे हैं वो इनसाइड अ सोलेनोइड पता लगा रहे हैं, ठीक है ना। सोलेनोइड की जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है, अब जब बहुत बड़ी लेंथ होती है तो होता ये है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू बाहर वाले के। कहने का मतलब क्या है कि बाहर मैग्नेटिक बहुत कम होगी एज कंपेयर टू अंदर के, बाहर नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं, बी जीरो लेते हैं सीडी के लिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मेरे को बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा मेरे को अलग से व्हाट्सएप पे, अगर कोई डाउट हो इस स्टेप में, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट में।